नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी राशिफल में। और देख रहे हैं आप सिटी चैनल और लेकर आए हैं आपके लिए पूरे सप्ताह का राशिफल कैसा रहेगा आपका। ये सप्ताह 11 मई से लेकर 17 मई की हम बात करेंगे। और सबसे पहले आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा जी जो हमारे स्टूडियो में है, उनका स्वागत करते हैं जी। तो जानना चाहते हैं ये पूरा सप्ताह कैसा रहेगा सभी के लिए। बिल्कुल, सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह सप्ताह आपका भाग दौड़ वाला रहेगा और इस सप्ताह कुछ महंगाई भी बढ़ सकती है और साथ साथ कुछ हल्का सा लड़ाई झगड़े के भी माहौल बने रह सकते हैं। ये आपका सप्ताह रह सकता है, लेकिन सभी राशियों में सिंह राशि और तुला राशि वाले बिल्कुल संभल करके सप्ताह आप रहे, बाकी राशियों के लिए बड़ा ही उत्तम है। बाकी राशियां कुछ भी अच्छा कर सकती है। और ओवरऑल सबके लिए मैं उपाय बता दूं, दुर्गा सप्तशती का पाठ इस सप्ताह आप पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और ये सप्ताह आपका बड़ा ही उत्तम जाएगा जी। आचार्य जी, जैसा कहा आपने कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, तो क्या लाभ मिलते हैं इसके विशेष कर से? बिल्कुल, यदि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हो तो उससे हर प्रकार के मन की आपकी गति रुकती है और मन में जितना भी आपके चंचलता बनी रहती है या परेशानी होती है वो दूर होती है। और कई बार कई लोग दुर्गा सप्तशती 11, 21 या 51 या 101 पढ़ते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करते हैं। दुर्गा सप्तशती हमेशा ही दुर्गा माँ के दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मी निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी हर प्रकार के लाभ देने वाली है। और लेकिन दुर्गा सप्तशती से विशेष तौर पे आपके शत्रु शांत जी। तो ये तो बात हुई पूरे सप्ताह की, और अब हम बात करेंगे राशियों के अनुसार कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों को मैं बता दूं, ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा है। सप्ताह आप कुछ नया कार्य भी कर सकते हो और यदि आप नई जमीन इत्यादि खरीदना और बेचना चाहते हैं तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। मंगलवार गुरुवार और शनिवार के दिन को छोड़ करके बाकी सारे दिन बहुत ही अच्छे हैं। इन सभी दिनों में कुछ नया कर सकते हैं। हल्का सा पैरों में थोड़ा सा दर्द रह सकता है और बाजू में दर्द रह सकता है, बाकी बड़ा ही उत्तम है। और तनाव आपका हल्का सा आपके हृदय में लग सकता है, ये परेशानी हो सकती है। सक्सेस रेट आपका 55% के आसपास का इस सप्ताह रहेगा। तो क्या करना होगा मेष राशि को विशेष उपाय तनाव से बचने के लिए? बिल्कुल, तनाव से बचने के लिए आप हो सके तो चौराहे पे जाकर के एक दीपक जलाए उड़द के ऊपर, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ साथ 9 अंक का प्रयोग करें या पीले रंग का प्रयोग करें, ये भी बहुत ही उत्तम आपके लिए रहेगा जी। तो बात करते हैं अब वृषभ राशि की। वृक राशि वालों के जातकों को मैं बता दूं, ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह नया कार्य भी बनने वाला है और दूर दराज से अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पड़ोसियों से भी बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है, जमीन से भी आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। और जो आपका मकान का कार्य चल रहा है, इस सप्ताह बड़ा ही उत्तम आपके लिए रहेगा। शनिवार और शुक्रवार बहुत ही अच्छे रहेंगे, बाकी दिनों को छोड़ करके अच्छा। सक्सेस रेट आपका लगभग 65% के आसपास का है और ये सप्ताह किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। और कोई पुराना इंटरव्यू दिया है तो इस सप्ताह आपको अच्छी खबर शुभ खबर मिल सकती है जी। तो क्या रहेगा इनका लकी नंबर और क्या उपाय करने होंगे इन्हें, और कलर की भी बात की जाएगा? बिल्कुल, लकी नंबर आपका 3 है और आसमानी रंग का प्रयोग करें। और इस सप्ताह आपके लिए विशेष उपाय मैं बता दूं, हो सके तो गौरोचन का तिलक आप लगाएं या आंख की जड़ का तिलक इस सप्ताह लगाएं और बहुत ही अच्छा आपके लिए उत्तम बना रहेगा। चलिए अब विषय पर बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों को मैं बता दूं, ये सप्ताह भाग दौड़ वाला है और घर परिवार में हल्का सा झगड़ा रह सकता है। जमीन संबंधित कोई बड़ा विवाद इस सप्ताह उठ करके सामने आएगा। और साथ साथ यदि आप खेती बाड़ी में मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। संतान पक्ष आपको बड़ा लाभ देने वाला है, संतान से आपको अच्छा सुख भी मिलने वाला है, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ है। और सक्सेस रेट इस सप्ताह आपका 65% के आसपास का है। और इस सप्ताह हो सके तो बड़े बुजुर्गों की आपको सेवा जरूर करें जी। तो एक उपाय तो ये है आपका कि अगर बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, तो और भी अगर उपाय आप करना चाहते हैं और क्या रहेगा लकी नंबर और कलर अगर बात की जाए? बिल्कुल, लकी नंबर आपके लिए मैं कह दूं 2 है और सफेद रंग का प्रयोग करें इस सप्ताह, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और खास तौर पे यदि विद्यार्थी पक्ष हो आप तो आप गणपति की उपासना 7 फूलों के साथ जरूर करें, आपको बहुत लाभ जी। अब पहुंच चुके हैं हम करक राशि के पास।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है, कुछ ज्यादा इसमें बोलने वाली बात नहीं है। जो भी आपके मन में संशय है वो सारे दूर होने वाले हैं और पुराने बिछड़े दोस्त आपके मिलने वाले हैं और कहीं आपको आपको प्रेमी भी मिलने वाला है और नई बात यदि आप कहीं कर रहे हो शादी वादी की तो वो भी बहुत ज्यादा मैच्योर होने वाली है। और शुक्रवार और शनिवार का दिन बड़ा ही उत्तम है, इस दिन आप कुछ बड़ा और नया करने वाले हो, इससे भी आपको ज्यादा लाभ होगा। सक्सेस रेट इस सप्ताह लगभग आपका 72% के आसपास। जी, कर्क राशि वालों का बहुत अच्छा रहेगा ये पूरा सप्ताह। और क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर की अगर बात की जाए? बिल्कुल, लकी नंबर आपके लिए मैं बता दूं तो 8 है और कलर की यदि मैं बात करूं तो बैंगनी रंग का प्रयोग इस सप्ताह आप करें, आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। जी, और उपाय अगर ये करना चाहते हैं अपने सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए? सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए आप उपाय करें कि कहीं चौराहे पे जाकर के 3 दीपक और 3 नारियल छोड़ करके आए। इस सप्ताह कोई बड़ा केस इत्यादि, कोर्ट केस इत्यादि चला है तो उसमें भी आपको शांति मिलने वाली है। चलिए, तो लौटेंगे अभी बाकी की राशियों को लेकर, वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी राशिफल।